हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। टाटा ईपीएल का पहला शानदार शनिवार हुआ खत्म। अब बारी है सुपर संडे की, जहां पर भिड़ने वाली हैं चार टीमें। दोपहर के मैच में राजस्थान रॉयल्स के सामने होंगे सनराइजर्स हैदराबाद, और रात के मुकाबले में द क्लैश ऑफ टाइटंस, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वर्सेस मुंबई इंडियंस। कांटे की टक्कर होने वाली है आज। ये सुपर संडे को ब्लॉकबस्टर संडे बनाने वाली है ये चारों टीमें। चलिए पहले मैच की बात कर लेते हैं, सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। चलिए सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11 डिस्कस कर लेते हैं। मयंक अग्रवाल और अभिषेक शर्मा ओपनिंग करते नजर आ सकते हैं। मयंक अग्रवाल न्यूएस्ट एडिशन है सनराइजर्स हैदराबाद के स्क्वाड में। पिछले साल पंजाब किंग्स की कप्तानी भी करते नजर आए थे मयंक अग्रवाल। इस साल पंजाब किंग्स ने उन्हें रिटेन नहीं किया और सनराइजर्स हैदराबाद ने ऑक्शन से उन्हें खरीद लिया। उनके साथी ओपनर अभिषेक शर्मा लेफ्ट हैंड बैटिंग और राइट आर्म ऑफ स्पिन फेंकते नजर आए हैं। तीसरे नंबर पर राहुल त्रिपाठी बल्लेबाजी करते नजर आ सकते हैं। राहुल त्रिपाठी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं और पिछले साल सनराइजर्स हैदराबाद के लिए बेहतरीन प्रदर्शन करा था राहुल त्रिपाठी ने। राहुल त्रिपाठी के बाद एक और नया एडिशन सनराइजर्स हैदराबाद के स्क्वाड में हैरी ब्रूक्स। हैरी ब्रूक्स ने पिछले 12 महीनों में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इंग्लैंड के लिए बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, इसलिए खासा अच्छे पैसे खर्च करके सनराइजर्स हैदराबाद ने उन्हें अपने स्क्वाड में शामिल किया और चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं। उनके बाद कप्तान एडन माक्रम बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। एडन माक्रम को कप्तानी की कमान संभाली गई है। पिछले साल उन्हें ऑक्शन से खरीदा था सनराइजर्स हैदराबाद ने और इस बार कैप्टन बनाया है अपनी टीम का। अब्दुल समद बल्लेबाजी करते नजर आ सकते हैं। अब्दुल समद राइट आर्म लेग स्पिन भी फेंकते हैं, पार्ट टाइम गेंदबाजी करते हैं और बड़े शॉट मारने के माहिर माने जाते हैं अब्दुल समद। अब्दुल समद के बाद दक्षिण अफ्रीका के विकेट कीपर बल्लेबाज हेनरी क्लासन खेलते नजर आ सकते हैं। हेनरी क्लासन पहले भी आईपीएल में खेले हुए हैं। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने उन्हें शामिल किया था, कुछ मैचेस खिलाए, इसके बाद उनका और राजस्थान रॉयल्स का साथ छूटा। इस बार सनराइजर्स हैदराबाद ने उन्हें ऑक्शन में शामिल किया है। SA20 में भी उनका प्रदर्शन खासा अच्छा रहा था, इसलिए वो प्लेइंग 11 में खेलते नजर आ सकते हैं और अब्दुल समद के साथ फिनिशिंग रोल निभाते हुए नजर आएंगे हेनरी क्लासन। हेनरी क्लासन के बाद वॉशिंगटन सुंदर नजर आएंगे हमें खेलते हुए। वॉशिंगटन सुंदर राइट आर्म ऑफ स्पिन फेंकते हुए और लेफ्ट हैंड बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। वॉशिंगटन सुंदर का भी हालिया प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है भारतीय टीम के लिए। वॉशिंगटन सुंदर के बाद मार्को यानसन हमें खेलते नजर आ सकते हैं। मार्को यानसन भी दक्षिण अफ्रीका से आते हैं, लेफ्ट हैंडेड पेस बॉलिंग करते हैं मार्को यानसन और लंबे कद के गेंदबाज हैं, तेज गेंदबाजी करेंगे। तो देखने लायक होगा कि मार्को यानसन इस बार कैसा प्रदर्शन करते हैं। पिछली बार साधारण प्रदर्शन रहा था उनका और इस बार उम्मीद लगाई जा रही है कि पिछली बार से अच्छा प्रदर्शन होगा उनका। इनके बाद भुवनेश्वर कुमार गेंदबाजी करते नजर आएंगे। भुवनेश्वर कुमार एक्सपीरियंस लेकर आते हैं सनराइजर्स हैदराबाद के स्क्वाड में, तो देखने लायक होगा कि किस तरीके से डेथ ओवर में और नई गेंद के साथ गेंदबाजी करते हैं भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर कुमार के जोड़ीदार भारत के जम्मू कश्मीर एक्सप्रेस उमरान मलिक हमें खेलते नजर आएंगे। उमरान मलिक ने पिछले साल भी बहुत तेज गेंदबाजी की थी, इसी कारण उनका भारतीय टीम में चयन हुआ था। अब देखने लायक होगा कि इस साल किस तरीके से वो अपने प्रदर्शन में बेहतरी करते हैं। तो देखा जाए तो सनराइजर्स हैदराबाद का स्क्वाड बहुत ही वेल बैलेंस्ड लग रहा है। पिछली बार की अपेक्षा में इस बार स्क्वाड ज़्यादा बैलेंस लग रहा है। प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी एक कंसर्न हो सकती है उनके लिए, मगर अगर हम देखें तो टीम बहुत स्ट्रांग लग रही है पिछले साल से। एक्सपीरियंस्ड इंडियन टॉप ऑर्डर है उनके पास, मिडिल ऑर्डर अच्छा है, फॉरेन प्लेयर्स हैं, बैकअप्स अच्छे हैं, हर नंबर के लिए कहीं ना कहीं एक ना एक बैकअप उपलब्ध है और गेंदबाजी में भारतीय गेंदबाज अच्छे हैं। इंडियन कोर अच्छा है सनराइजर्स हैदराबाद का और उम्मीद लगाई जा रही है कि इस साल उनका प्रदर्शन पिछले साल के मुकाबले अच्छा रहेगा। चलिए अब राजस्थान रॉयल्स की बात कर लेते हैं। राजस्थान रॉयल्स पिछले साल फाइनल में पहुंची थी टाटा ईपीएल 2022 के। गुजरात टाइटंस से हारे थे वो फाइनल में। अब देखने लायक होगा कि
किस तरीके से इस बार वो चैंपियन बनने के सपने को पूरा करने की कोशिश करते हैं। राजस्थान रॉयल्स के लिए ओपन करते हुए नजर आएंगे यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर। लेफ्ट हैंडेड बैटिंग करते हैं यशस्वी जायसवाल और तेज खेलते हैं शुरुआत से ही, पावर प्ले का अच्छे से उपयोग करते हैं और उनके साथ पिछले साल ऑरेंज कैप जीतने वाले बल्लेबाज जॉस बटलर ओपनिंग करते नजर आएंगे। इंग्लैंड के लिए भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है उनका और इस बार इंग्लैंड T20 वर्ल्ड कप जीती थी उसमें बहुत बड़ा श्रेय गया जॉस बटलर के पास, क्योंकि बेहतरीन प्रदर्शन किया था उन्होंने सेमीफाइनल में और फाइनल में भी अच्छी बल्लेबाजी की थी। उससे पहले भी लीग स्टेजेस में जॉस बटलर का परफॉर्मेंस अच्छा रहा था और IPL में आते ही उनका कद और ऊंचा हो जाता है। 3 नंबर पर हमें बल्लेबाजी करते नजर आएंगे कप्तान संजू सैमसन। संजू सैमसन के पास भी एक पॉइंट टू प्रूफ है कि किस तरीके से वो परफॉर्म करते हैं और आने वाले 50 ओवर के वर्ल्ड कप में जो इस साल होगा उसमें क्या अपनी जगह बना पाते हैं भारतीय टीम में, वो देखने लायक बात होगी। 4th नंबर पर लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल बैटिंग करते नजर आएंगे। देवदत्त पडिक्कल और संजू सैमसन के बीच में एक टॉसअप होगा कि कौन 3 नंबर पे और कौन 4 नंबर पे खेलेगा, मगर मेरे दृष्टिकोण से 4 नंबर पर देवदत्त पडिक्कल खेलते नजर आएंगे हमें। 5वें नंबर पर वेस्टइंडीज़ के शिमरन हिटमायर बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं शिमरन हिटमायर, पिछला साल राजस्थान रॉयल्स के लिए अच्छा रहा था इसलिए उन्हें रिटेन किया राजस्थान रॉयल्स ने, और पावर हिटिंग करना जानते हैं, छक्के चौके करंट सिचुएशन में से मैच को निकालना जानते हैं शिमरन हिटमायर। वो एक्सपीरियंस लेकर आते हैं T20 स्पेशलिस्ट का, तो देखने लायक होगा कि इस साल कैसे प्रदर्शन रहता है शिमरन हिटमायर का। शिमरन हिटमायर के बाद हमें बल्लेबाजी करते नजर आएंगे रियान पराग। बीते 12 महीने रियान पराग के लिए बहुत अच्छे रहे हैं डोमेस्टिक सीजन में और इस बार खास उम्मीद लगाई जा रही है कि वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे। रियान पराग के बाद एक नया एडिशन राजस्थान रॉयल्स के स्क्वाड में जो बैलेंस प्रोवाइड करने के लिए उन्हें खरीदा गया है राजस्थान रॉयल्स के द्वारा, वो है जेसन होल्डर। जेसन होल्डर लंबे कद के गेंदबाज हैं, गेंदबाजी करते हैं, बल्लेबाजी करते हैं और आपको दोनों काम करके देंगे अच्छे से। क्या वो पूरे 4 ओवर फेंक पाएंगे ये देखने वाली बात होगी राजस्थान रॉयल्स के लिए। बाकी T20 लीग्स में, बाकी फ्रेंचाइज क्रिकेट में वो 4 ओवर फेंकने लायक गेंदबाज हैं, मगर IPL बहुत टफ है तो देखने लायक बात होगी कि किस तरीके से वो परफॉर्म करते हैं। पिछले साल लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था और गेंदबाजी में भी कंप्लीट 4 ओवर का कोटा अपने डाल के नहीं दे रहे थे लखनऊ सुपर जायंट्स को, तो इस साल देखना होगा। जो पिछले साल बैलेंस खराब लग रहा था थोड़ा सा राजस्थान रॉयल्स का, 5 बल्लेबाज 5 गेंदबाज के साथ खेल रहे थे, क्या इस बार जेसन होल्डर का ऑलराउंडर उन्हें हेल्प कर पाएंगे चैंपियन बनाने के लिए और टीम के प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए। जेसन होल्डर के बाद रविचंद्रन अश्विन हमें खेलते नजर आएंगे। रविचंद्रन अश्विन राइट आर्म ऑफ स्पिन फेंकेंगे और राइट हैंड बैटिंग करेंगे। बैटिंग बेहतर हुई है रविचंद्रन अश्विन की, राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें पहले टॉप ऑफ द ऑर्डर भी खिलाया था पिछले साल, एक बार 3 नंबर पर खिलाया था उन्होंने, 50 भी मारा था, तो अब देखने लायक बात होगी कि किस तरीके से वो बल्लेबाजी करते हैं और साथ ही साथ गेंदबाजी करते हैं। गेंदबाजी में तो 4 ओवर उनके बैंक रहते हैं हमेशा, 6, 6.5, 7 की इकोनॉमी से रन देते हैं वो, पावर प्ले में डालते हैं, मिडिल ओवर्स में डालते हैं, तो देखने लायक होगा कि संजू सैमसन ने जिस तरीके से पिछली बार अच्छी तरीके से यूज़ किया था रविचंद्र अश्विन को, क्या इस बार भी वो उसी तरीके से यूज़ कर पाएंगे। उनके बाद हमें बल्लेबाजी करते नजर आ सकते हैं ट्रेंट बोल्ट जो न्यूजीलैंड से आते हैं, लेफ्ट आर्म स्विंग गेंदबाजी करते हैं ट्रेंट बोल्ट। इस बार ट्रेंट बोल्ट के ऊपर ज़्यादा दबाव होगा पिछली बार की अपेक्षा, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा इस बार अनफिट हो गए हैं, तो देखने लायक बात होगी कि किस तरीके से इस बार गेंदबाजी करते हैं, नई गेंद के साथ क्या विकेट चटका पाते हैं ट्रेंट बोल्ट। ट्रेंट बोल्ट के बाद एक नया एडिशन जो राजस्थान रॉयल्स ने अपनी टीम में किया है, प्रसिद्ध कृष्णा के रिप्लेसमेंट के रूप में लेकर आए हैं, वो है संदीप शर्मा। IPL ऑक्शन में अनसोल्ड गए थे संदीप शर्मा, मगर प्रसिद्ध कृष्णा की इंजरी की खबर आने के बाद ये पता चला कि राजस्थान रॉयल्स ने एज अ रिप्लेसमेंट प्लेयर उनको लिया है, प्रसिद्ध कृष्णा का रिप्लेसमेंट लिया है संदीप शर्मा को, तो देखने लायक बात होगी किस तरीके से अपने एक्सपीरियंस का यूज करते हैं संदीप शर्मा और राजस्थान रॉयल्स के लिए कैसा प्रदर्शन करते हैं, ये देखने लायक बात होगी। उनके बाद 11वें नंबर पर खेलते नजर आएंगे हम यशवेंद्र चहल। पिछले साल पर्पल कैप जीती थी उन्होंने यशवेंद्र चहल ने, तो देखने वाली बात होगी कि यूजी किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं। फ्लाइट देकर फंसाते हैं, हमें मालूम है बड़े ग्राउंड के डायमेंशंस को यूज़ करते हैं यशवेंद्र चहल, और इस बार सवाई मानसिंह स्टेडियम में अपने होम मैचेस खेलती हुई नजर आएगी राजस्थान रॉयल्स, तो देखने लायक बात होगी किस तरीके से
प्रदर्शन में बेहतरी करते हैं यशवंत चहल, प्रेशर उनके ऊपर भी होगा क्योंकि इस बार गेंदबाजी जो है वो थोड़ी कमजोर नजर आ रही है राजस्थान रॉयल्स की पिछली बार की अपेक्षा। तो ये बात देखने की होगी कि किस तरीके से परफॉर्म करते हैं यशवेंद्र चहल और विकेट चटका के देते हैं क्रंच सिचुएशंस में टीम को। राजस्थान रॉयल्स की तो बहुत ही वेल सेटल्ड स्क्वाड लग रहा है राजस्थान रॉयल्स का। पिछले साल भी अच्छा खेली थी टीम, इस बार भी उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बार भी अच्छा खेलेगी। जॉस बटलर और संजू सैमसन को बल्लेबाजी में अच्छा खेलना होगा अगर टीम को बैटिंग अच्छी करनी है, ज़्यादा रन स्कोर करने हैं। ये टीम 200 रन वाली नहीं लगती है कभी भी, ये टीम 170-180 वाली लगती है। और देखा जाए अगर जॉस बटलर चलते हैं तो 200 तो बहुत आराम से पार कर लेती है राजस्थान रॉयल्स। इस बार जॉस बटलर का साथ निभाने वाला कोई प्लेयर चाहिए, बिट्स एंड पीसेस में परफॉर्म ना करे टीम, एक साथ कैसे परफॉर्म करती है देखने लायक बात होगी। तो चलिए प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर डिस्कस कर लेते हैं। पहले राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो मुझे लगता है बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो अच्छा परफॉर्म करेंगे उनकी टीम के लिए, मगर मेरे को इस बार लगता है कि स्टैंड आउट परफॉर्मर राजस्थान रॉयल्स के लिए होंगे रियान पराग। जिस हिसाब से डोमेस्टिक सीजन गया है रियान पराग का, बहुत सारे रन स्कोर किए हैं उन्होंने, सिंगल हैंडेडली मैचेस भी जिताए हैं अपनी टीम को डोमेस्टिक क्रिकेट में। तो देखने लायक बात होगी किस तरीके से परफॉर्म करते हैं रियान पराग। बहुत बैक कर रही है राजस्थान रॉयल्स उन्हें, प्रोटेजी हैं उनके, तो देखने लायक होगा किस तरीके का परफॉर्मेंस रहता है रियान पराग का इस साल। और बात की जाए सनराइजर्स हैदराबाद की, तो सनराइजर्स हैदराबाद के लिए उमरान मलिक एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पे सबकी नज़र टिकी हुई होगी। 50 ओवर का वर्ल्ड कप आने वाला है जैसे मैंने पहले बताया था, तो किस तरीके से वो अपनी जगह यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करके भारतीय टीम में पक्की कर सकते हैं ये देखने लायक बात होगी। तेज़ गेंदबाजी करेंगे, बाउंसर्स लगाएंगे, डेथ ओवर्स में डालेंगे, मिडिल ओवर में डालेंगे नई गेंद के साथ। उमरान मलिक इतनी गेंदबाजी करते हुए नहीं नजर आते, सनराइजर्स हैदराबाद के पास पहले से ही नए गेंद से गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज हैं। तो देखने लायक बात होगी कि उमरान मलिक की किस इस साल कैसी परफॉर्मेंस रहती है। आज राजस्थान रॉयल्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद में मुझे राजस्थान रॉयल्स जीतती नजर आ रही है। जिस तरीके से टीम का बैलेंस दिख रहा है राजस्थान रॉयल्स का, वो बेहतर लग रहा है सनराइजर्स हैदराबाद के मुकाबले। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए एक मेजर कंसर्न जो है वो प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी है, किस हिसाब से कौन कौन से प्लेयर्स अवेलेबल हैं खेलने के लिए ये देखने लायक बात होगी। एडन माक्रम क्या उपलब्ध होंगे कप्तान, क्या मार्को यानसन उपलब्ध होंगे ये देखने लायक बात है। तो राजस्थान रॉयल्स के पास एक अच्छा मौका है ये मैच को जीतने का, 2 पॉइंट्स घर लेके जाने का। राजस्थान रॉयल्स की टीम ज़्यादा बैलेंस लग रही है, जॉस बटलर पे प्रेशर होगा, चहल पे प्रेशर होगा, बट मुझे लगता है कि ये वाला मैच राजस्थान रॉयल्स जीत जाएगी। चलिए आपसे अब मुलाकात होगी अगली वीडियो के साथ, धन्यवाद।